24 अगस्त 1947, टीबी और लंग कैंसर के साथ साथ काम से थक चुके मोहम्मद अली जिन्ना ने छुट्टियों पर जाने का मन बनाया। उन्होंने छुट्टियां बिताने के लिए चुना कश्मीर को और अपने सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को यहां भेजा ताकि वो सारा अरेंजमेंट कर सके। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जिन्ना ने ये हॉलीडे प्लान किया था सितंबर के महीने में। ऐसा नहीं है कि वो 15 अगस्त को होने वाले बंटवारे के बारे में भूल गए थे, बल्कि उन्हें तो ये लग रहा था कि 3/4 मुस्लिम आबादी वाला कश्मीर तो पाकिस्तान का ही हिस्सा बनेगा। कश्मीर को अपना मानकर उन्होंने अपनी मर्जी से छुट्टियां तो प्लान कर ली, लेकिन जब 5 दिनों बाद बर्नी वापस लौटे तो उन्होंने जिन्ना को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर जिन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। बर्नी ने बताया कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह नहीं चाहते कि जिन्ना कश्मीर की मिट्टी में अपने कदम तक रखे। महाराजा उन्हें टूरिस्ट के तौर पर भी एंट्री देने को तैयार नहीं थे। ये सुन जिन्ना गुस्से से भर गए और 48 घंटे के भीतर उन्होंने एक सीक्रेट एजेंट को कश्मीर भेजा ताकि वो ये पता लगा सके कि महाराजा कश्मीर के साथ आखिर करने क्या वाले हैं। एजेंट की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि महाराजा का पाकिस्तान के साथ जाने का कोई इरादा नहीं है, जिसे पढ़कर जिन्ना ने अपने करीबी लियाकत अली खान और कुछ दूसरे नेताओं को लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग में यह तय किया गया कि कश्मीर पर सीधा अटैक करने की बजाय कुछ और रास्ता निकाला जाए ताकि भारत को लड़ाई में उतरने का मौका ना मिले। कुछ सोच विचार कर कर्नल अकबर खान ने सजेशन दिया कि पाकिस्तान को कश्मीर के मुस्लिमों को भड़का कर उन्हें विद्रोह के लिए तैयार करना चाहिए। उनका सजेशन हर किसी को पसंद आया और ये तय हुआ कि 50,000 कबाइलियों को श्रीनगर में उतारा जाएगा ताकि महाराजा को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सके। 22 अक्टूबर 1947, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन से कबाइलियों को इकट्ठा करके पाकिस्तान ने उन्हें बसों में बैठाया और कश्मीर भेज दिया। ये सब कश्मीर के मुजफ्फराबाद पहुंचे और रातों रात पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन गुलमर्ग। ये कबायली लड़ाके पाकिस्तान की आर्मी के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। 26 अक्टूबर तक इन्होंने उरी और बारामूला पर कब्जा कर लिया और कश्मीरी पंडितों का जमकर कत्लेआम किया। पीओके के मशहूर राइटर जाहिद चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखा है, 3 दिनों तक हमलावरों ने गैर मुस्लिमों का कत्लेआम किया, उनके घरों को लूटा और जला दिया, हजारों की तादाद में उनकी औरतों का रेप हुआ और उन्हें किडनैप कर लिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौरान बारामूला में 11,000 लोगों का मर्डर हुआ। कबाइलियों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। ये पैदल ही कश्मीर पहुंच रहे थे और बहुत ही जल्दी ये श्रीनगर तक जा पहुंचे। महाराजा हरि सिंह की आर्मी ने इनका डटकर मुकाबला भी किया, लेकिन इनके पीछे तो एक पूरा का पूरा देश था। महाराजा समझ गए कि इन्हें अकेले रोकना नामुमकिन है। उन्होंने भारत से मदद मांगी और खुद श्रीनगर छोड़कर जम्मू आ गए। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जब वो जम्मू आए तो 48 मिलिट्री ट्रकों में भरकर उनके साथ हीरे जवाहरात, पेंटिंग्स, कालीन, गलीचे और बाकी कीमती सामान भेजा गया था। महाराजा हरि सिंह को ये खजाना उन डोगरा राजाओं से विरासत में मिला था जो कभी जम्मू कश्मीर पर राज किया करते थे। इतिहास बताता है कि हैदराबाद के बाद कश्मीर भारत की दूसरी सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। लेकिन सवाल ये आता है कि ये रियासत डोगरा राजाओं को कैसे मिली, क्योंकि इतिहास के माने तो 19वीं सदी तक ये सिख एम्पायर का हिस्सा थी। फिर कहाँ से आए डोगरा राजा, कैसे उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख और अक्साई चिन तक के पूरे इलाके को बांध कर जम्मू कश्मीर रियासत को बनाया, इसकी कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा कश्मीर की खूबसूरत वादियों में। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर पीर पंजाल की पहाड़ियों, झेलम के पानी और केसर के खेतों से मिलकर बनता है कश्मीर। इतिहास बताता है कि आज से करीब 500 साल पहले कश्मीर कोई एक रियासत न होकर कई छोटे छोटे रियासतों में बिखरा था। इन रियासतों को पहाड़ी स्टेट कहा जाता था और हर पहाड़ी स्टेट का एक अलग राजा हुआ करता था। यहाँ के आम लोग डोगरा कहलाते थे, जिनकी भाषा होती थी डोगराई। डोगरा का मतलब होता है पीपल्स ऑफ माउंटेन। ये वो दौर था जब कश्मीर में पंडितों और राजपूतों की आबादी सबसे ज्यादा थी। लेकिन जब मुगल भारत आए तो उन्होंने कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया।
उन्होंने लोगों से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और इसी वजह से कश्मीर में मुस्लिमों की आबादी बढ़ती चली गई। कहते हैं कि जब तक दिल्ली पर मुगलों का राज रहा तब तक कश्मीर में भी उनके ही कायदे कानून चलते थे। मुगल कश्मीर के पहाड़ी राजाओं से टैक्स वसूला करते थे, लेकिन जब 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तब ये राजा फिर से आजाद हो गए। उस दौर में डोगरा राजपूत ध्रुवदेव ने तावी नदी के किनारे एक शहर बसाया जिसका नाम था जम्मू। ध्रुवदेव जम्मू के राजा बन गए। वो मुबारक मंडी के तावी किले से अपना राजकाज चलाया करते थे। इतिहास बताता है कि होने को तो जम्मू रियासत बहुत छोटी थी, लेकिन ट्रेड रूट पर होने के कारण यहाँ के राजा को व्यापारियों से अच्छा खासा टैक्स मिलता था। इसी वजह से ये रियासत काफी समृद्ध हुआ करती थी। मैप में देखा जाए तो पता चलता है कि उस दौर में जम्मू के आसपास पंजाब का इलाका छोटे छोटे मिसलों में बटा था। इन मिसलों के मिसलदार सिख हुआ करते थे। जम्मू को समृद्ध होता देख कई सिख मिसलदारों ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। कहते हैं कि जब ध्रुव देव के बाद उनके बेटे रणजीत देव राजा बने तब सुकर चुकिया और भांगी मिसल के मिसलदारों ने कई बार जम्मू पर हमला भी किया। पंजाब की ये सिख मिसलें कैसे बनी इसकी कहानी तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब होता ये था कि अलग अलग मिसलों के मिसलदार अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करते थे, इसीलिए ये आसपास की सभी रियासतों यहाँ तक कि एक दूसरे पर भी हमला कर देते थे। लेकिन बार बार हमलों के बावजूद ये जम्मू को नहीं जीत पाए। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर सुक्कर चकिया मिसल के राजा बने महाराजा रणजीत सिंह। सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्होंने सारे सिख मिसलों पर कब्जा कर लिया और इसके बाद वो बढ़े जम्मू की तरफ। कहते हैं कि उन्होंने जम्मू पर इतना बड़ा हमला किया कि डोगरा राजाओं की सेना ने घुटने टेक दिए और बहुत ही आसानी से उन्होंने जम्मू को सिख साम्राज्य में मिला लिया। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह काफी समझदार थे, वो डोगराओं की बहादुरी और ताकत को जानते थे, इसीलिए उन्होंने दुश्मनी की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ाया और महाराजा ध्रुवदेव के वंशज गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। ये तीनों भाई सेना संभालने में माहिर थे। इन्होंने सिख आर्मी को काफी ताकतवर बनाया। ये महाराजा के प्रति बेहद वफादार थे। यही कारण था कि महाराजा रणजीत सिंह ने ध्यान सिंह को अपना प्रधानमंत्री बनाया, सुचेत सिंह को लाहौर दरबार में खास जगह दी और उनके बेटे हीरा सिंह तो महाराजा के सबसे पसंदीदा दरबारियों में से एक बन गए। वहीं गुलाब सिंह को 1820 में उन्होंने जम्मू का जागीरदार बना दिया। जागीरदार बनने के बाद गुलाब सिंह फिर से जम्मू लौट आए, वहीं सुचेत सिंह और ध्यान सिंह लाहौर में ही रहे। गुलाब सिंह ने वापस आकर आसपास की सारी छोटी छोटी रियासतों को जीतकर जम्मू का विस्तार करना शुरू कर दिया। उनकी आर्मी में जनरल जोरावर सिंह नाम से एक बहुत ही बहादुर सरदार हुआ करते थे, जिन्हें द नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जोरावर सिंह जम्मू की सेना को लीड करते थे और उनकी स्ट्रेटजी इतनी कमाल की हुआ करती थी कि उन्हें हराना नामुमकिन था। देखते ही देखते उन्होंने कश्मीर के एक बहुत बड़े हिस्से को जम्मू में मिला लिया, जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था लद्दाख, क्योंकि कराकोरम पास लद्दाख से ही होकर गुजरता था और पेशावर, कांधार, यहाँ तक कि चीन जाने वाले व्यापारियों के लिए भी ये पास सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन इतिहास बताता है कि लद्दाख को जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ के राजा भी काफी ताकतवर हुआ करते थे। लगातार 5 सालों तक जोरावर सिंह लद्दाख पर हमला करते रहे, लेकिन उसे जीत ना सके। आखिरकार 1840 में उन्होंने एक बहुत बड़ी डोगरा आर्मी लेकर लद्दाख पर फिर से हमला किया और इसे जीत ही लिया। इसके बाद उन्होंने नॉर्थ कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक का पूरा इलाका जीता। लेकिन क्योंकि जम्मू सिख साम्राज्य का हिस्सा था, इसीलिए ये पूरा इलाका सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गया। कहते हैं कि जोरावर सिंह जब एक एक करके इन इलाकों को फतेह कर रहे थे, तब लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। 1839 में महाराजा का देहांत हो गया, जिसके बाद सिख साम्राज्य तेजी से कमजोर होता गया। कहते हैं कि लाहौर दरबार में अंदरूनी झगड़े इतने बढ़ गए थे कि महाराजा रणजीत सिंह के बेटों, दरबारियों और मंत्रियों समेत प्रधानमंत्री ध्यान सिंह, उनके भाई सुचेत सिंह, यहाँ तक कि भतीजे हीरा सिंह की भी हत्या कर दी गई। गुलाब सिंह तो इसलिए बच गए क्योंकि वो जम्मू में थे। सिख साम्राज्य में हुई इस सियासी उठापटक के कुछ सालों बाद ही एंग्लो सिख वॉर हुआ, जिसमें सिख हार गए
और अंग्रेजों ने लाहौर समेत पूरे सिख साम्राज्य को हड़प लिया। कहते हैं कि पहले एंग्लो सिख वॉर के दौरान कश्मीर का पूरा इलाका महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी महारानी जिंद कौर ने अंग्रेजों को दे दिया था। इसीलिए जब सिख साम्राज्य पर पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तब गुलाब सिंह को जम्मू को बचाने के लिए अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। साल 1846 में डोगरा राजा गुलाब सिंह ने अमृतसर में अंग्रेजों से मुलाकात की और 75 लाख नानकशाही सिक्के देकर कश्मीर घाटी को खरीद लिया। इस तरह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक का पूरा इलाका डोगरा राजाओं के अधीन हो गया। अब कश्मीर एक पूर्ण रियासत बन चुका था, लेकिन इस पर राज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, इनकी भाषा भी अलग अलग थी। इन्हें एक सत्र में पिरोने का काम किया महाराजा रणबीर सिंह ने, जो महाराजा गुलाब सिंह के बेटे थे और 1856 में उनके देहांत के बाद राजा बने थे। कहते हैं कि उनके राजा बनने के एक साल बाद ही, यानी कि 1857 में उत्तर भारत में क्रांति हो गई। तब महाराजा रणबीर सिंह ने 3000 सैनिकों का एक ट्रुप अंग्रेजों की मदद के लिए भेजा। इससे अंग्रेज इतने खुश हुए कि दिल्ली को रिकैप्चर करने के बाद वो महाराजा के अच्छे दोस्त बन गए। हालांकि इस दोस्ती के पीछे की असल वजह थी द ग्रेट गेम। दरअसल उन दिनों रूस, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि पेशावर तक के पूरे इलाके को अपने कब्जे में करना चाह रहा था, ताकि वो सेंट्रल एशिया में अपनी पावर बढ़ा सके। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड भी सेंट्रल एशिया में अपनी पावर मेंटेन रखना चाहता था। रूस और इंग्लैंड के बीच ताकत की इस होड़ को ग्रेट गेम कहते हैं। इस ग्रेट गेम की वजह से कश्मीर अंग्रेजों के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि काराकोरम पास और वेस्टर्न पास जैसे सेंट्रल एशिया तक जाने वाले कई रास्ते यही से गुजरते थे। यही कारण था कि अंग्रेजों ने गिलगित बाल्टिस्तान को नॉर्दर्न एजेंसी घोषित करके अपना एक एजेंट यहाँ अपॉइंट कर दिया, ताकि गिलगित से पूरे सेंट्रल एशिया पर नजर रखी जा सके। अब वक्त बीता, महाराजा रणबीर सिंह कश्मीर के डेवलपमेंट पर खास ध्यान देने लगे। उन्होंने पश्मीना और तूल के शॉल के काम को बहुत बढ़ावा दिया। कश्मीर के लोग रेशम का व्यापार कर सके, इसके लिए चाइना से खास तौर पर रेशम के कीड़े मंगवाए और सेरीकल्चर शुरू किया। उन्होंने ही जम्मू के रघुनाथ जी मंदिर, रणबीरेश्वर मंदिर और संस्कृत लाइब्रेरी बनवाई, जो भारत की सबसे बेहतरीन लाइब्रेरीज में से एक है। डोगरी भाषा को भी उन्होंने खूब प्रमोट किया। 1885 में उनके देहांत के बाद जब महाराजा प्रताप सिंह राजा बने, तो उन्होंने जम्मू और सियालकोट के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई और कश्मीर को एक हॉलीडे डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया। उनके समय से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर आने लगे। कहते हैं कि प्रताप सिंह बहुत ही दरिया दिल थे। राजा बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले बेगार प्रथा को खत्म किया। उन्होंने ही श्री प्रताप म्यूजियम और श्री प्रताप कॉलेज बनवाए और अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनवाया। इतिहास बताता है कि उस दौर में अलग अलग रियासतों के राजा एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने स्टेट में कॉलेज और स्कूल बनवा रहे थे, लेकिन इन्हीं स्कूलों में पढ़कर उनके स्टेट की यूथ का एक ग्लोबल और पॉलिटिकल व्यू डेवलप होने लगा। अब वो खुलकर अपने अधिकारों की मांग करने लगे और कुछ तो अपने राजाओं के खिलाफ ही खड़े हो गए। ऐसा ही कुछ कश्मीर में भी हुआ। वो ऐसे कि उस वक्त कश्मीर में पंडित और राजपूत काफी पढ़े लिखे और अमीर हुआ करते थे, वहीं मुस्लिम, बौद्ध और दूसरी कम्युनिटी के लोग कम पढ़े लिखे और गरीब हुआ करते थे। ये लोग या तो खेती या फिर हाथ की कारीगरी से पैसा कमाते थे। ऐसे ही एक मुस्लिम परिवार में जन्म होता है शेख अब्दुल्ला का। 5 दिसंबर 1905 को श्रीनगर के पास सोरा में शेख के जन्म से 15 दिन पहले ही उनके पिता गुजर गए, इसलिए उनका बचपन गरीबी में बीता। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी आतिशे चिनार में लिखा है कि एक समय ऐसा भी आया जब वो घर चलाने के लिए रफूगिरी किया करते थे। स्कूल जाने के लिए उन्हें 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। वहीं कुछ इतिहासकार बताते हैं कि उनका परिवार गरीब नहीं बल्कि मिडिल क्लास था, क्योंकि उनके पिता शेख मोहम्मद इब्राहिम ने पश्मीने का कारोबार शुरू किया था और कुछ ही सालों में उसे काफी बड़ा बना दिया। उनके फैक्ट्री में तैयार होने वाले पश्मीना शॉल बाजारों में बिकते थे। हालांकि एक बात को खुद शेख अब्दुल्ला ने भी माना है कि उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे।
अपनी किताब में शेख ने लिखा है कि श्रीनगर के पास सुरह बस्ती में उनका परिवार रहा करता था और उनके परदादा का नाम बाल मुकुंद कौल था, जो सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण थे। वो लिखते हैं कि अफगानों के हमले के बाद उनके एक पूर्वज रघुराम को एक सूफी संत ने इस्लाम स्वीकार करवाया था। 10वीं पास करने के बाद शेख लाहौर पढ़ने गए और वहीं से उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो गया। 1930 में अलीगढ़ से साइंस में मास्टर्स करने के बाद वो वापस कश्मीर आ गए और एक हाई स्कूल में टीचर बन गए। लेकिन इससे 5 साल पहले 1925 में महाराजा प्रताप सिंह का देहांत हो चुका था और उनके जगह उनके भाई अमर सिंह के बेटे हरि सिंह राजा बने थे। महाराजा हरि सिंह भी मॉडर्न ख्यालों के थे। वो चाहते थे कि कश्मीर के राज में जनता की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने 1932 में प्रजा सभा बनाई, जिसमें कश्मीर के कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जिन्हें पब्लिक ने चुना था। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को रिफॉर्म किया और पुलिस को भी। हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेस को उन्होंने काफी प्रमोट किया। दूसरी तरफ उसी दौर में शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की पढ़ी लिखी आवाम को महाराजा के खिलाफ एकजुट करना शुरू कर दिया। 1932 में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। धीरे धीरे उनके भाषण जनता में मशहूर होने लगे और लाखों की तादाद में लोग उनकी सभाओं में आने लगे। तब शेख अब्दुल्ला ने सोचा कि वो सिर्फ मुस्लिमों का ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर का फेस बनेंगे। इसीलिए 1938 में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और पॉलिटिकली काफी स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू की उनसे अच्छी दोस्ती थी। दूसरी तरफ महाराजा हरि सिंह एक राजा थे और राजाओं के लिए नेहरू के मन में एक नेगेटिव इमेज थी, इसीलिए महाराजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सके। इधर कश्मीर की 75% जनता मुस्लिम थी और वो शेख अब्दुल्ला में एक नई उम्मीद देखती थी। लेकिन 1931 में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। हुआ यूं कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से अब्दुल कादिर खान नाम का एक शख्स कश्मीर आया और उसने महाराजा के खिलाफ एक जबरदस्त भड़काऊ भाषण दिया। इस वजह से महाराजा की पुलिस ने उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद कोर्ट में इस केस का ट्रायल चल रहा था। जब सुनवाई हो रही थी तब दंगाइयों की एक टोली वहां पहुंची और कोर्ट पर हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए महाराजा के सिपाहियों ने दंगाइयों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कुछ दंगाई मारे गए। कहते हैं कि इसके बाद जनता में ये झूठ फैलाया गया कि महाराजा के सिपाहियों ने विद्रोहियों पर बेवजह गोली चलाकर उनका मर्डर किया है। इस अफवाह का असर ये हुआ कि पूरे कश्मीर में दंगे भड़क गए। अब तक जो पूरा मामला कश्मीरी जनता के लिए था, उसने हिंदू वर्सेस मुस्लिम का रूप ले लिया। हिंदुओं के घर पर हमला करके उन्हें जलाया गया, उनका मर्डर किया गया। कई इतिहासकार कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महाराजा की इमेज खराब करने के लिए ये सब प्लानिंग की थी और इसमें वो कामयाब भी हुए। वो ऐसे कि इस घटना के बाद जनता की नजरों में शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मसीहा बनकर उभरी। 1946 में शेख ने महाराजा के खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। तब महाराजा ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन नेहरू ने उन्हें रिहा करवा लिया। हालांकि इसी दोस्ती के चलते 1947 में जब भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का वक्त आया तो महाराजा अकेले पड़ गए। वो असमंजस में थे कि हिंदुस्तान में जाएं या नहीं, लेकिन इतना पक्का था कि वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की ज्यादातर आबादी मुस्लिम थी और जम्मू सियालकोट के अलावा बाकी कश्मीर के लिए सारे रास्ते पाकिस्तान से ही जाते थे। इसीलिए जिन्ना को लग रहा था कि हरि सिंह पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने कश्मीर पर कबायली हमला करवा दिया, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। तब 25 अक्टूबर को इंडियन डिफेंस कमेटी ने मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में नेहरू, पटेल और माउंटबेटन समेत तीनों सेनाओं के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ भी मौजूद थे। मीटिंग में यह तय हुआ कि कश्मीर में आर्मी तब तक नहीं भेजी जाएगी जब तक कि वो भारत का हिस्सा नहीं बन जाता। हालांकि उसी दिन डिफेंस कमेटी ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स सेक्रेटरी वीपी मेनन को कश्मीर भेजा। मेनन ने आकर बताया कि कश्मीर में हाथों हाथ सेना भेजना बेहद जरूरी है। इधर 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिए।
जिसके फोर्थ सेक्शन में लिखा था कि महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की घोषणा की है। इसके अगले दिन यानी कि 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर्स श्रीनगर पहुंचे और कबायलियों को खदेड़ कर रख दिया। पाकिस्तान की चाल फेल हो गई और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। हालांकि पाकिस्तान ने इसका विरोध करते हुए 1948 में खुले तौर पर जंग छेड़ दी। दोनों देशों की आर्मी में जंग हुई और कुछ महीनों बाद लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर जवाहरलाल नेहरू कश्मीर का ये इशू यूएन लेकर गए। लेकिन यूएन में क्या हुआ, गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके भारत के हाथों से कैसे निकल गए फिर? और शेख अब्दुल्ला जिन्हें कश्मीर की आजादी के बाद नेहरू ने कश्मीर का नया प्रधानमंत्री तक बना दिया था, अपने उसी दोस्त को नेहरू ने 11 सालों के लिए जेल क्यों भेज दिया? क्या शेख अब्दुल्ला ने की थी आजाद कश्मीर की मांग और कैसे पाकिस्तान में गया गिलगित बाल्टिस्तान? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं इतिहास की दिलचस्प कहानियों में, जिन्हें खोजकर हम आपके लिए लेकर आएंगे अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इससे पहले आप हमें ये बताएं कि कश्मीर के इतिहास की ये कहानी आपको कैसी लगी और आप हमें कहां से देख रहे हैं। अपने सजेशन आप हमें इस मेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।